हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यार ये ड्राइंग मैंने ना, मतलब ये ड्राइंग क्या वीडियो, ये वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है। और यार ड्राइंग मतलब पेंटिंग जो भी है ये, तो वो तो तुम जज करोगे कि कैसी बनी है। बाकी तो मैंने तो बता दिया वीडियो अच्छी बनी है। कहीं पेंटिंग मत समझना कि पेंटिंग की तारीफ कर रहा हो, कहीं सोच रहे हो। तो वो तो तुम वैसे, चलो ठीक है, खुद ही जज करोगे और फिर मतलब कमेंट कर देना कि कैसी बनी है। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो बता देना और ना लगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं तुमसे ना कह रहा था कि यार मैंने ना यहाँ पे कहीं कहीं स्पीड ज़्यादा स्लो करी और कहीं तेज़ करी है, वो तुम्हें पता ही लग रहा होगा। तो जहाँ मैंने तेज़ बस वहाँ वहाँ करी स्पीड, जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत नहीं है समझने की, और जहाँ तुम्हें ज़रूरत है वहाँ पर स्पीड धीरे ही है। ध्यान से देखना तुम, ठीक है। और जहाँ पर तुम्हें समझना हो ना कुछ, मतलब ध्यान से देख के, तो वहाँ पे वैसे स्पीड तो ऑलरेडी स्लो होगी, पर जहाँ तेज़ होगी ना स्पीड, वहाँ पे भी मतलब तुम समझ सकते हो देख के ध्यान से। तो हाँ, और तुम्हें बता रहा था मैं, जैसे डक है ना, तो डक जहाँ पे जैसे पानी में है, तो उसका हाफ पार्ट ही दिखेगा, है ना। तो जो हाफ पार्ट उसका दिखता है, उसके जहाँ पे वो पानी के अंदर जा रहा होता है, ठीक है, तो उस जगह ना थोड़ा काला काला कर दो, मतलब थोड़ा डार्क कर दो। तो वहाँ पे डार्क करोगे ना तो अच्छा लगता है वो। बस यही रीज़न था ये बोल। यार ये पता है, ये मैं ये नीला पीला जो कर रहा हूँ ना, ये नीला पीला, येलो, ग्रीन, रेड, ग्रीन तो नहीं है सॉरी, रेड, ये सारे, ये ना धूप की रिफ्लेक्शन पड़ती है ना जब पानी पे, तो तुम ध्यान से देखना, सुबह के टाइम ना ऐसे होता है और शाम के टाइम ऐसे होता है। तो इन दो टाइम वैसे यार तुम कमेंट करके बताना ये वैसे क्या है, ये सुबह या शाम है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या था, सुबह था या शाम। वैसे अब तक मुझे भी ढंग से पता नहीं लगा, पता नहीं मैं बार बार ही क्या काला काला कर देता हूँ पेंटिंग में। पर चलो ठीक है, तो वो सुबह का सीन पता नहीं कौन सा सीन है वैसे। ठीक है, तो अबे यार ठीक है, चलो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बता देना तुम। हाँ मैं बता रहा था, ये डक ना, डक में पता है जैसे वाइट तुम्हें दिखता है, तो वाइट के साथ ना और भी कलर की रिफ्लेक्शन आ रही होती है उस पर, तो वो सारी रिफ्लेक्शन दे देना। जैसे मैंने वाइट करा और उसके साथ थोड़ा पिंक और ब्लू करा, जहाँ डार्क डार्क है ना वहाँ पे मैंने ब्लू करा है और उसके साथ ऊपर ऊपर पिंक मर्ज करा है वाइट के साथ, तो वो हो जाएगा। अब देखो, अब मैं डक की परछाई में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर रहा हूँ, उससे ना मतलब परछाई में और रियलिस्टिक लुक आएगा। रियलिस्टिक क्या, अभी ना, अभी तो मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते ना ड्राइंग का लुक ही अलग आ जाएगा, तुम देखना। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है चलो।
यार अब मैं इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर देता हूँ जिसे थोड़ा और अच्छा लगे। और मैंने आगे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करी थी, वो जो मैंने वाइट वाइट दिया था ना वो लाइन, मतलब थोड़े जैसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते थे हिंदी में, हिंदी इंग्लिश किस में, हाँ हिंदी में ठीक है, तो हिंदी में जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स आते थे ना डैश डैश करके, वैसे ही वो तुम्हें ना वाइट लाइन देनी होती है उस पर, ठीक है, पानी वाले पे। कभी भी तुम पानी वाला बनाओगे तो डैश डैश वाली लाइन दोगे, समझ गए ना सारे सारे का एक ही बंदा देख रहा होता है ठीक है, तो एक जो जो देख रहा है वो समझ गया ना, और वैसे तो यार क्या बोलूँ ठीक है तो ये हो गया। अब देखो अब मैं आसमान करूँगा। आसमान में ना यार पता है मुझे ना लेफ़्ट साइड ना मैंने एक गलती करी है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा ऑरेंज ना कम रख के ब्लू करना था, क्योंकि नीचे पानी में देखो शाइन ना ब्लू की आ रही है, तो ये लास्ट में कर दूंगा मैं कि ब्लू कर दूंगा मैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखो, पानी में ना जैसे जो शाइन आ रही है वो चीज़ वो तुम्हें देना है ऊपर आसमान में, ठीक है। अब बिल्कुल सीरियस बताता हूँ तुम्हें। अब देखो अब मैं अब नीचे नीचे बादल के ना मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धूप देखो तुम नीचे है बादल के, मतलब वहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, तो नीचे नीचे साइड ना तुम्हें ना ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा, तो इसकी वजह से मतलब धूप की रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगी, ठीक है। जैसे तुमने कभी देखा होगा शाम के टाइम ना, शाम या सुबह के टाइम कभी अगर बादल हो तो वहाँ पे ना धूप के मतलब बादलों के ऊपर ना थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन होती है येलो लाइट की, तो इसलिए होता है, इसलिए क्या होता है मतलब तो उसमें ऐसा दिखता है, ठीक है ये समझ गया ना। अब मैं ना अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे ये करूँ ना सूरज बनाऊँ, जब सन बनाऊँ जब यहाँ पे, ठीक है, तो उसके आसपास ना देखना भी मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सन सन जब बनाऊँगा जब मैं बताता हूँ कैसे करूँगा, ठीक है, तब तक ये देखो। हाँ और तुम पानी देखो, पानी में ना जैसे मैंने डिटेलिंग करी है तो वो चीज़ बिल्कुल ही वैसे करना, वो बहुत मतलब ईजी भी तरीका होता है और अच्छा भी लगता है ये, ठीक है। तो ये देखो जैसे दूसरा दूसरा मैंने बनाया, दूसरा डक बनाया, तो उसके नीचे देखो उसकी परछाई देखो कितनी प्यारी परछाई आ रही है, तो और वो मैंने ऑरेंज इसलिए करा है उस डक पे क्योंकि पीछे से समझ ही रहे यार तुम, वो धूप आता है तो इस वजह से खून थोड़ा खून क्या होता है वो खून दिखने लग जाता है, तो इस वजह से खून की वजह से मतलब वो रेड रेड दिखता है, तो वही चीज़ दिया मैंने, ठीक है। पर यार मुझे ये समझना फैदर में खून कहाँ से आ रहा है पर ठीक है चलो जो भी है। हाँ अब देखो अब सन के ऊपर ना ऐसे रेज बनाने के लिए पहले येलो येलो करो, फिर उसे उंगली से खींच दो तो रे टाइप बन जाएगा, बहुत इजी होता है ये। उसके बाद ना जैसे मैंने ये करा, अब मैं ना तीन चार रे बनाऊंगा इसकी, तो ऐसे ही करूँगा मैं, रे बनाओ और खींच दो, रे बनाओ खींच दो, मतलब रे क्या बनाओ डॉट डालो और खींच दो आगे, तो ना तुम्हारा मतलब ऐसा लगेगा जैसे सूरज की रे निकलती, जैसे किरने किरणें जो भी कह लो तो वो निकलती है ना, तो वो हो गया ये, ठीक है, तो ऐसे निकल गया, देखो निकल गया किरणें निकल रही हैं इसकी, ठीक है। तो अब बस ये हो गया, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊँ, हो गया बस ठीक है चलो बढ़िया।